फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल रेशमा सजित व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज तो देखिए क्लाइमेट कितना अच्छा है और मुझे बहुत ही आज अच्छा लग रहा है, लेकिन तबीयत फिर भी थोड़ा ख़राब ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने तो कहा कि मैं मामा जी की शादी पे मैं जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत थकावट हो रहा है। एक्चुअली एस्टरडे मैंने पूरा 2-3 काम पूरा दिन से कर रही थी, मतलब सुबह के टाइम पे मैंने स्पेशल खाना बनाया था। हाँ, तो एस्टरडे बहुत ज़्यादा काम हो गया था, सुबह का नाश्ता भी बनाई, उसके बाद कपड़े सुखाने दिए और फिर दोपहर का भी पूरा खाना मैंने एस्टरडे बनाया। तो आज जो है काम नहीं है, कम है थोड़ा सा। तो और आज रात को भी मैंने वीडियोस लिया, फिर रात को मैंने रेसिपी का भी वीडियोस लिया। तो रेसिपी का तो आपको पता है बहुत काम रहता है। अभी हम लोग मैं अभी रेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो 12 बजा भी नहीं है, सुबह का नाश्ता ही लेके आए थे हम लोग। तो मामा के शादी पे जाएंगे, उस दिन तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, लेकिन अभी क्या है, मेरे हस्बैंड को पूरा गुस्सा से हो रहा है, गुस्सा आ रहा है कि उनके पास अभी उतने पैसे नहीं होंगे और अभी ट्रेन पकड़ के तो जाएंगे, लेकिन वो सब खर्च मामा जी की तरफ से है। बाकी के जो ड्रेसेस लेने वेने के सब खर्च भी तो है, फिर बाकी घर का जो खर्च है सब कुछ एक प्रॉब्लम से रह गया। अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ चुका है, वो भी पे करना है। उसके बाद दूसरे बाकी सब टेंशन्स, जैसे डेली के खाने के सामग्री जो लेके आना पड़ेगा, जैसे दाल और वेजिटेबल, फिर मछली, फिर चावल, फिर रोटी, आटा सब लेके आना है ना, फिर उसका भी तो पैसा चाहिए। तो अभी तो उनका भी जॉब ठीक से चल भी नहीं रहा है, किसी दिन जाने के लिए सोचते हैं, जाते हैं के लिए बुलाते हैं तो ये करके तो आ जाते हैं, फिर वो लोग जब पैसा देने का टाइम होता है तो बोलते हैं कि बाद में देंगे, थोड़ी देर बाद देंगे, ऐसे बोल के डिले कर देते हैं। तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। अभी जब नेक्स्ट टाइम जाने के टाइम रहता है तो जब तक जो काम किया है उसका पैसा नहीं देने से फिर दूसरा काम करेंगे उसका भी नहीं पैसा देंगे। वैसे बहुत सारा काम का पैसा दिए नहीं अभी तक। तो इन्होंने अभी यहाँ पे पास ही में अभी थोड़ा सा एक छोटा सा काम कर रहे हैं, तो वो भी हर दिन नहीं रहता है और बारिश के टाइम तो एकदम ही नहीं कर पाएंगे। जैसे AC रिपेयर वाले सेक्शन में है वो वाला काम, तो उसी सेक्शन में काम कर रहे हैं एक भैया के साथ, बड़े से एक अंकल जैसे है, भैया है, अंकल है, तो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो वो जब बुलाएंगे तब जाएंगे, हर दिन नहीं जाना है। तो उसमें 2000 ऐसे कभी मिल जाता है, तो उसके बगैर और कोई तो इनकम है ही नहीं, फिर बाकी सब तो ऐसे कहाँ से लेंगे। तो सभी प्रॉब्लम चल रहा है अभी। तो बाकी डेली ऐसे चीज़ें तो हम लोग ने पहले से खरीद के रखा हुआ है जो, और अभी हम लोग को और भी कभी कभी मन करता है ना कि बाहर से होटल से खाए या बाहर कहीं सिनेमा देखने जाए, ऐसे मन करता है, लेकिन सब कुछ, लेकिन इनको भी एकदम मूड से बने रहते हैं तो जा नहीं पाते। मेरा हाल ऐसे है कि मैं जब वीडियो लेती हूँ तो इनको मन नहीं, इनको थोड़ा
अलग सा मूड रहता है सिनेमा देखने का, और मेरा अलग सा मूड रहता है वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं उसमें काम कर रही हूँ तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्टिंग लगता है। और मेरा जो थकावट है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं किस तरह से वीडियो बनाऊँ करके, तब और मुझे दूसरों के व्लॉग्स वीडियोस भी देखना पसंद है, और इसीलिए उसमें भी टाइम लगता है। फिर जाके रात को मैं फेसबुक में भी वीडियोस डालती हूँ तो, और बाद में मैं सोती हूँ 2 बजे ऐसे, फिर सुबह कभी कभी 12 बजे आता है, कभी कभी मैं 4 बजे सोती हूँ और 12 बजे उठती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरा रूटीन कभी कभी चेंज होता है, तो कभी कभी मैं रूटीन बना के उसको ठीक भी करती हूँ। अभी मेरे को ओनम के सारे क्लीनिंग्स और भी बचाया, उससे पहले मेरे को और एक शादी है जो 18 को कुप्पम में पड़ रहा है, तो कुप्पम की शादी पे सबको बुलाए, इनको भी बुलाए, लेकिन ये बोले कि तुम और हर्षित हो जाके आ जाना, मैं नहीं आऊँगा करके बैठे हैं बोल के। तो मैं लास्ट वीक वो लोग मेरे हस्बैंड आए थे कुप्पम में, और बहुत मज़े किए थे बच्चे, और ऐसे मेरी दीदी का बर्थडे था तो हम लोग बहुत एंजॉय किए। तो ज़्यादा लोग कुछ नहीं, ऐसे केक काटे, पहले तो जीजा जी गुस्सा होके बैठे थे दीदी से, कभी दीदी गुस्सा होती है तो कभी जीजा जी गुस्सा होता है। हम लोग बोलते हैं कि बर्थडे के दिन आप लोग को दोनों को पता नहीं क्या हो जाता है, इनके बर्थडे, जीजा जी के बर्थडे और उनके बर्थडे के दिन, दोनों के बर्थडे के दिन ऐसे ही करते हैं, और बच्चे जो रहते हैं उन लोग को एकदम उदास होके बैठ जाते हैं। फिर लास्ट में देखिए जीजा जी सब लेके आ जाते हैं, और फिर दूसरे जो ओनम का जो सेलिब्रेशन है वो तो सितंबर 14 को पड़ रहा है, तो 18 को एक शादी पड़ेगा। तब इस वीक तो मैं मायके नहीं गई, ऐसा मन था जाने का मेरे को, घूम के बस में जाती हूँ, फिर भी एक अलग सा एक फीलिंग रहता है ना, ट्रैवल करके जाते हैं। और कन्नूर में भी उतरते हैं, कन्नूर से भी हम होटल में कुछ खाने जा सकते हैं, या कन्नूर पुलिस स्टेशन में कुछ, पुलिस स्टेशन के मैदान में कुछ ना कुछ एग्जीबिशन या फेयर या सर्कस रहता है, तो हम लोग प्लान करके करते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन इतना दिन तो बहुत बारिश था इसलिए नहीं जा रहे थे, लेकिन लोग फिर भी बारिश के मौसम में वो भीगे भीगे जगह पर से जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं गए थे। और तो अभी नेक्स्ट वीक मैं चली जाऊंगी, तो उसके बाद के नेक्स्ट वीक फिर हम लोग का शादी, मामा जी के बेटे का शादी पड़ता है तो उसमें जाएंगे, तो वो भी हो जाएगा, फिर फ्री हो जाएंगे फिर से। फिर यहाँ पे सर्वेंट को बुला के पूरा घर को पूरा जाली वाली सब सब सफाई करवा देंगे, तो फिर उसके बाद ओनम के दिन फूलों को 10 दिन का फूल डालना रहता है, पहले छोटा सा सर्कल में रहेगा, फिर बाकी जो नौ नौ 10वां दिन रहता है और 11वां दिन रहता है, तो वो दोनों दिन बड़ा सा कारपेट डालते हैं। तो हर कोई अपने घर जाते, मैं कुप्पम नहीं जाती, मेरी दीदी कुप्पम में डालती है, कुप्पम में अलग सा कंपटीशन रहता है, यहाँ पे नडाल में अलग सा कंपटीशन रहता है। देखिए मुझे मिलेगा कि मैं, आप लोग सोचे ही नहीं, क्योंकि मैं जितना फूल मुझे मिलता है उससे मैं क्या डिज़ाइन उस वक्त मन में आता है वो मैं डालती हूँ, और कुछ लोग रहते हैं पहले से ही डिज़ाइन सोच के रखते हैं और बड़ा सा डाल के रखते हैं, मोटा मोटा बहुत फूलों को डाल डाल के बनाते हैं, और फूल पहले से उन लोग खरीद के रखते हैं, जो लोग कन्नूर में जाके खरीद के रखते हैं, जगह जगह ढेर सारे फूल यहाँ पे ले, कन्नूर तलिपरम्बु जगह जगह यहाँ पे आसपास के जो मार्केट है वहाँ पर भी फूल मिलते हैं,
बहुत ढेर सारा, पूरा केरला फूलों का मार्केट रहते हैं उस वक्त। बहुत मज़ा आता है रोड में, गाड़ी में जाने में बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो देखते हैं इस साल हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ये तक मैं स्टॉप करती हूँ, तब तक आप मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए तो बाय फ्रेंड्स, मैं कल परसों इससे भी अच्छा वीडियो डालूँगी, और अभी तक के लिए बाय।